जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नॉर्थिंग, अब आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड द प्रोग्राम ऑफ कोर्स इज मोडी मंडेज विद अजलाल बुखारी और द सिंगर इज नन अदर देन राणा बॉबी. एंड राणा बॉबी के बारे में अगर बात करें तो ही स्टार्टेड हिज करियर इन 2004 और ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड होस्ट इज वेल. और उसके साथ साथ जो है वो एक गेम शो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन गेम शो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके ये होस्ट भी हैं. एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट व्हिच आई लाइक अबाउट हिम एज वेल, ही इज द होस्ट ऑफ पीएसएल एज वेल. ये ग्राउंड में जो है ये उसकी होस्टिंग भी करते हैं और बहुत जबरदस्त जो क्राउड है हमारे क्रिकेट का उसको ये अलाइव करते हैं. और उसके साथ साथ ही इज अ वेरी गुड डबिंग आर्टिस्ट एज वेल, बहुत सारे ड्रामास की उन्होंने डबिंग भी की है. और अगेन एज अ सेड के गाने भी साथ साथ गाते रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत एक ट्रैक है जिसको इन्होंने अभी लॉन्च किया है और रेडियो फजा जो है वो उनके इस काविश में उनके साथ है. एंड टुडे यूके का ऑफिशियल लॉन्च जो है वो हम रेडियो फजा के थ्रू कर रहे हैं इस गाने का. तो बहुत ही आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द पैनल. राणा बॉबी के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर आमिर बर्नी भी मौजूद है. एंड आई रियली लाइक टू थैंक यू डॉक्टर आमिर, बिकॉज आपने बहुत लास्ट मोमेंट पे मेरी ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की. और आई थिंक आई कॉल्ड यू लाइक अबाउट मिडनाइट लास्ट नाइट और आपने इसको एक्सेप्ट किया और बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और आप जो है डॉक्टर आमिर बर्नी ऑब्वियसली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नॉटिंगहम की बड़ी पॉपुलर शख्सियात में से एक है. एज आई सेड डॉक्टर तो वो है ही, लेकिन ही इज वेरी पैशनेट म्यूजिक लवर एज वेल, बहुत ज्यादा जो है म्यूजिक से भी डॉक्टर साहब का लगाव है. तो आई वेलकम यू डॉक्टर आमिर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम राणा बॉबी साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. जी मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराऊंगा राणा बॉबी को. जैसे कि मैंने तारुफ करा दिया कि ही इज बीन इन द इंडस्ट्री सिंस 2004, गाने भी गाते हैं, होस्टिंग भी करते हैं और कंपोजर भी हैं और बहुत मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं. एंड आई मेट हिम एक्चुअली एट एन इवेंट जहां पे फर्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी इन लाहौर, और वो भी इसी तरह से एक इवेंट को जो थे. एंड ही वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ दैट क्लोथिंग ब्रांड. और वहां पे मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद दैट मुलाकात टर्न्ड इनटू अ गुड फ्रेंडशिप. और माशाल्लाह इट्स लाइक यू नो इट्स बीन गुड 4 or 5 years नाउ, माशाल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट दैट लॉन्ग. जी तो राणा बॉबी हमारे साथ हैं. थैंक यू वेरी मच अजलाल, सबसे पहले फॉर दिस ब्यूटीफुल इनविटेशन. एंड आमिर बर्नी साहब खुशामदीद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज वेल. बहुत खूबसूरत बातें हैं जी. समवेयर इंसान जो मेहनत करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको किसी मकाम पर ले जाती है अगर आप सच्चे दिल से और लगन से मेहनत करते रहे. बड़ी खूबसूरत स्टोरी है ये अजलाल एंड आमिर. इन 2004 जब रेडियो नया नया लॉन्च हुआ था तो एक एक मिथ सी हुआ करती थी कि यार ये कौन लोग है, कहाँ से बोल रहे हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये स्टेशन कहाँ पर है, चैनल कहाँ पर है, ये लोग कहाँ से आए हैं जो इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं. आई वॉज वन ऑफ द लिसनर्स इन बैक 2004 एंड ऑफ कोर्स 2004 से पहले. फिर एक अंदर से एक आवाज है कि यार मैं भी कोशिश करता हूँ, ट्राई करते हैं. तो आई वॉज गेट रिजेक्टेड ऑलमोस्ट 6 times. 6 times रिजेक्ट होने के बाद अपने एक्सपीरियंसिस के थ्रू मुझे पता चला ओके, अब मुझे ये नहीं करना, अब ये चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं किसी भी हॉट सीट पर बैठने वाले किसी भी आरजे के लिए. तो वो जो मेरा ड्रीम हुआ करता था कि हॉट सीट पर बैठूंगा, मैं लोगों से लाइव बात करूंगा, अपनी बात करूंगा, म्यूजिक प्ले करूंगा, बहुत शोर करूंगा, बहुत मजा करूंगा, हल्ला गुल्ला करूंगा, ठीक है. तो वो जो मेरा शौक था ना, जो बाद में मेरा पैशन बना, फिर प्रोफेशन बना, वो 2004 से ऑनवर्ड्स अभी तक है. 16 साल हो गए रेडियो करते हुए एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन करते हुए, म्यूजिक करते हुए. इट्स बीन अ ग्रेट टाइम. आप ये कह सकते हैं अजलाल एंड आमिर के आई हैव एंजॉयड माय एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, और अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को मैंने 100% दिया है. दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यू गाइस. आप माशाल्लाह बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं आप दोनों. सो आज आपके साथ मैं मौजूद हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है.